अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? हेलो, तुम सैर कराइए थोड़ी जी। नाजरीन ये देखें, अभी जो है इसका, अभी हम जा रहे हैं टावर ब्रिज की तरफ, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग जो इधर आके विजिट करते हैं। तो आइए नाजरीन आपको दिखाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड पे ही काफ़ी मशहूर है। इसको कहते हैं टावर ब्रिज। तो अभी हमारे साथ हमारे दोस्त ही हैं, तो हम उधर जा रहे हैं, थोड़ा काम था, हमने क्या थोड़ी सी साथ वीडियो भी बना ली। ये देखें नाजरीन, इधर का रूल रेगुलेशन, जब जो है रेड लाइट हो चुकी है तो सब रुक जाएंगे, कोई भी क्रॉस इसको करेगा तो उसको जुर्माना पड़ेगा। क्या हाल है जी साहब? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बहुत क्वालिटी आती है पिक्चर जी। जी 13:4 मैक्सिमम है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है दी। तो ये देखें नाजरीन, तो नाजरीन अभी हम जो है इधर जा रहे हैं, आगे ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, ये ब्रिज सामने जो है आ रहा है। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है, काफ़ी दुनिया, पूरी दुनिया के इधर लोग आए हैं, जिन्होंने इधर आके जो है मूवी भी तकरीबन काफ़ी इस ब्रिज पे बनी है। ये देखें तो उतने नहीं जा सकते, मतलब टिकट आ जाती है। तो नाजरीन यहाँ से 20 के ऊपर जो है स्पीड हम गाड़ी की ऊपर नहीं कर सकते, वरना आपके घर में जो है टिकट आ जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। क्या हाल है साहब जी? तो ये है नाजरीन यहाँ से सिस्टम, क्योंकि हम जो है वैसे तो दूसरी तरफ से हमने जाना था, हमने ये रास्ता चूज़ किया क्योंकि इस रास्ते से हमें जो है टिकट नहीं पड़ेगा, दूसरे रास्ते से हमें काफ़ी जो है एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो ये देखें नाजरीन, ज़रा सी गाड़ी हमने उधर मूव करनी थी या लेके जानी थी तो हमें काफ़ी महंगा पड़ जाना था। ये लोग काफ़ी जो है विजिट कर रहे हैं, आप देख लें, इधर हर टाइम रौनक रश रहता है। ये देखें नाजरीन, ये है दुनिया का मशहूर तरीन ब्रिज, लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज। टावर ब्रिज जो है कि ये नज़र जो आपको आ रहा है ये लंदन ब्रिज है, और इधर देखे जाए जिसके ऊपर हम जा रहे हैं ये टावर ब्रिज है। तो आप देखते जाएं नाजरीन, हम आपको सैर वैर करवा रहे हैं साथ साथ में। ये आप देखें, इंग्लैंड की मशहूर तरीन जगह, जो कि काफ़ी फेमस जगह है, और जो भी इधर आया होगा एक बार उसको याद आ गया होगा ये कौन सी जगह है। ओपन भी होता है, तो ये ओपन भी हो जाता है, ये ब्रिज बीच में से जो है ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो गाड़ियाँ उधर की उधर रह जाती हैं, दूसरी गाड़ी उधर की उधर रुक जाती हैं। तो ये है नाजरीन इसका सिस्टम। तो अभी हम रवा दवा है अपनी मंजिल की तरफ, और लोग भी जो है साथ साथ आप देख लें। तो ये देखिए नाजरीन, होटल ये नाजरीन काफ़ी फेमस होटल है, तो इधर आके भी लोग जो है जो बुकिंग कर लेते हैं पहले इधर आके, हैप्पी न्यू ईयर पे काफ़ी लोग जो है इधर आके रहते हैं काफ़ी जो है। ये वेस्ट, ये भी देख लें आप, ये किला है, ये किला बना हुआ है, ये किला जो है इधर काफ़ी फेमस किला है। ये आपको, आपने अगर देखना हो लंदन में, तो ये लंदन टावर ब्रिज के करीब है बिल्कुल। तो इस किले के अंदर काफ़ी जो है तारीखी जो है चीज़ें पड़ी हैं। ये देखिए नाजरीन, अक्सर अभी आजकल तो मौसम आपको पता है काफ़ी बेहतर है और अच्छा वेदर है, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है विज़िट के लिए आते हैं, और इधर लंदन में भी, लंदन में ऐसे भी काफ़ी लोग जो इधर आते हैं विज़िट पे, यानी कि तुम्हारा तो तकरीबन इधर आना जाना लगा रहता है, इस ब्रिज पे काफ़ी तकरीबन रोज़ ही गुजरते हैं। ये नाजरीन अभी हमने क्रॉस कर लिया टावर ब्रिज को,
टावर ब्रिज को बिल्कुल। तो अभी हम रवा दवा है अपने ईस्ट लंदन की तरफ। ईस्ट लंदन में हम दाखिल हो चुके हैं। क्या हाल है सर? नहीं, अभी हम नॉर्थ लंदन में ही हैं, सॉरी ईस्ट लंदन में अभी हम जो है जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं गाड़ी जो है अपना रास्ता जो है खुद बता रही है साथ साथ में, और साथ साथ में ये भी बता रही है कितनी स्पीड पे हम गाड़ी जो है ड्राइव कर सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, इधर नाज़रीन जो है ब्लैक कैब काफ़ी जो है फेमस है, लोग जो है इधर ब्लैक कैब काफ़ी जो है यूज़ करते हैं। अभी हम जो है ड्राइव करते करते जो है अपने ईस्ट लंदन की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में जो हमारे आएगा वो आएगा वाइट चैपल आएगा, बैथरीन ग्रीन आएगा, और काफ़ी जो है चीज़ें आएंगी। ये देखें नाज़रीन और आप देख लें लंदन के सारे तासरात कितना पीसफुल और काफ़ी जो है सुकून वाला जो है मुल्क है। ये देखें लोग अपने मज़े से जा रहे हैं, अपने रास्ते जा रहे हैं। क्या हाल है आज साहब? कोई किसी को तंग नहीं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, और कोई किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारा दिन घूमें सारी रात घूमें कोई मसला नहीं है। यह है यहाँ का सिस्टम। तो अभी हमारे सामने जो है गाड़ी है रुक गए वो जो है बिल्डिंग का साइन आपको नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाइट चैपल का जो है साइन आपको बिल्डिंग के ऊपर नजर आ रहा है, ये वाइट चैपल का साइन है। ये देखिए अभी हम रवा दवा है वाइट चैपल की तरफ। वाइट चैपल जो है इलाका है या एरिया कर ले, ये जो है बांग्लादेशी लोग जो है इधर काफी रिहायशी हैं, इधर रहते हैं, और काफी लोग जो है इधर बांग्लादेश के ही है। क्या हाल है जी साहब? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे साथ आजी साहब हैं जिनको 50 ईयर तकरीबन इधर हो गए इस कंट्री में रहते हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास लंदन में रहने का। 50 ईयर हो गए ना जी साहब? 1973 से। ये कह रहे हैं कि मैं 93 में आया था। 1973 में आए थे, अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे। ये देखिए नाज़रीन जब लाइट ग्रीन हो जाए तो फिर बंदा जा सकता है। ये देखें सारा लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं, मज़े से जा रहे हैं, बिल्कुल अभी क्वाइट है। थोड़ी देर में रोडों पे रश होगा क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम, अभी लोग काम कर रहे हैं। वो वाइट चैपल वो क्या जो बिल्डिंग नज़र आपको नज़र आ रही है, वो जो नज़र आ रही है, क्या हाल है आज साहब? हाँ जी, ये वाइट चैपल की बिल्डिंग से हम गुजरे हैं, अब वाइट चैपल में हम दाखिल हो चुके हैं, और आस्ता आस्ता हम अपनी जान पे मंजिल जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं ईस्ट लंदन की तरफ। और ये जो आपको साइकिल नज़र आ रहे हैं, साइकिल है बेसिकली इन्होंने बनाए हैं लोगों की सहूलत के लिए। ये जो आपको साइकिल नज़र आ रहे हैं, जब भी बंदे सुबह काम से लेट हो जाएं या वैसे भी यूज़ करना होता है, जैसे कार्ड पेमेंट करके बंदा यूज़ कर सकते हैं। मेरी चीप होती है, और ये चीप भी हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। ये आपको जो साइकिल नज़र आ रहे हैं जहाँ कहीं भी जाए पार्क कर सकते हैं, और किसी भी जगह आप जाके पार्किंग कर सकते हैं कि कोई मसला नहीं है। अभी हम ट्रैफिक में स्टक हैं, ये देख लें आप। ये ब्लैक कैब है, ब्लैक कैब जो है काफ़ी फेमस है इस कंट्री की, और लोग काफ़ी इसको यूज़ भी करते हैं, ख़ास करके सैटरडे वाले दिन जो है ये काफ़ी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हम आपको आस्ता आस्ता दिखा रहे हैं इधर का माहौल, आप देखते जाइए। ये देखिए नाज़रीन अभी रेड लाइट हुई है और ट्रैफिक जो है रुक गई है, किसी की मजाल नहीं है कि ये रोड रेड लाइट के दौरान कोई क्रॉस कर जाए। जब वो क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर फ्लैश कैमरे की जो है उसके ऊपर पिक्चर आएगी, फ्लैश पड़ जाएगा उसको। ये है इधर का सिस्टम। ये देखिए जब तक रेड लाइट है कोई भी इधर से अपनी जगह से नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरी गाड़ियों ने जाना है उधर से। ये देखें अब
अभी हम जो है वेट कर रहे हैं। तो इधर जो है हमारा जो है गाड़ी का ये जो बता रहा है मीटर, ये 20 का बता रहा है। 20 तो ऊपर ना जा सकते हरी जी? नहीं। अच्छा, तो नाजरीन अभी ये देख ले, येलो हो चुके हैं, ग्रीन हुए हैं, और ग्रीन जो है हमें सिग्नल दे रहा है कि आगे आप चले जाए। ये देखें, तो हमने भी इधर अपनी गाड़ी को जो है घुमा लिए और हम जो है अभी अभी अपनी चार पे मंजिल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये क्या लिखे आज साहब? व्हाइट चैपल ही है, ये लिखा हुआ है व्हाइट चैपल, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये आप देख ले व्हाइट चैपल की रवा दवा। तो नाजरीन आपको बताते चले, व्हाइट चैपल एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है व्हाइट चैपल। ये साथ में जो है स्टेशन भी आ जाता है, ऑल गेट ईस्ट स्टेशन साथ में आता है, अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो ये ज़मीन के नीचे ट्रेन चलती है, इधर पूरे शहर में जो है ज़मीन के नीचे ही तकरीबन ट्रेनें चलती हैं और अंडरग्राउंड भी चलती हैं। ये आप देख रहे हैं, तकरीबन 10 लाख पीपल ट्रैवल करते हैं एवरी डे, तकरीबन 10 लाख के करीब जो है बंदे जो है इधर ट्रैवल करते हैं रोज अंडरग्राउंड में, यानी कि जमीन के नीचे 10 लाख बंदा जमीन के नीचे चला जाता है। ये आप देख लें, ऐसे हर जगह जो है तकरीबन हर स्टॉप पे जो है ऐसे बने हुए हैं। ये आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये स्टेशन है जमीन के नीचे जाने के लिए। ये देखें, ये देखिए नाजरीन गलत कर गया, ये साथ में छापे हैं। और ये जो व्हाइट चैपल इलाके हैं ये काफ़ी देसी इलाके हैं, काफ़ी इधर जो है देसी लोग हैं, यानी कि बंगाली वगैरह बांग्लादेश के रहने वाले लोग। आज हम आपको ईस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन से लेके ईस्ट लंदन में आए, लेकर आए हैं। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं, अली टीवी चैनल यूके, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको जो है लंदन की सैर करवा रहे हैं, आप देखते जाएं। ये देखिए,